एग्जाम्स का सीजन है, आप सबको तो पता ही होगा। जिसे नहीं भी बताना उसे यूट्यूब खोलते पता चल जाएगा, क्योंकि हर जगह इसी की तो चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस ट्रेंड में अपना योगदान दे दें। तो एग्जाम्स है, यानी बहुत प्रेशर है स्टूडेंट्स पे। कुछ लोगों को तो ये टेंशन होता है कि मार्क्स कमाने पे दोस्त क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेगी, नीचे का वॉचमैन क्या बोलेगा, और इसी टेंशन में आज की प्रिपरेशन खराब कर लेते हैं। अरे भाई, अपने लिए पढ़ रहे हो या उनके लिए? अच्छे मार्क्स आया बुरे, फायदा नुकसान दोनों तुम्हारा ही होगा। इसलिए अगर ऐसा कोई है तो पास की टेंशन लेना छोड़ो और अपने फायदे के लिए पढ़ो। इतना प्रेशर है, सब डेस्परेट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसी डेस्परेशन का फायदा उठाते कुछ नाम के यूट्यूबर्स, जो देते काफी शानदार एग्जामिनेशन टिप। और यदि आप पूरा साल नहीं पढ़े हैं तब भी आप इन टोटकों को अपना सकते हैं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे टोपी पहनने से आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगा वगैरह वगैरह। टोपी पहनकर पढ़ाई करने से पढ़ा हुआ बहुत शीघ्र ही याद होता है। आप किसी भी एक टाइम का खाना बगैर नमक के करिए और आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे। मतलब नमक का एग्जाम से क्या कनेक्शन है? बचा हुआ नमक क्या मैं पेपर पे छिड़क के आऊंगी? नहीं, मतलब लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। चलो ये तो फिर भी ठीक है, बट कुछ लोगों के हिसाब से आपका चड्डी का कलर डिसाइड करता है आपके मार्क्स। लाल रंग के चड्डियों पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप पहनेंगे ऐसा आप बन जाएंगे क्लास के टॉपर। अच्छा, तो लाल चड्डी पहनने से बन जाएंगे टॉपर? हम तो फालतू ही मेहनत कर रहे थे यार, हमें लगा पढ़ना पड़ता है। हेलो चिंटू, 100 लाल माचो चड्डीज मंगा दे। क्यों? अबे कल एग्जाम है मेरा। अब पेपर में एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, नेम, रोल नंबर और फिर चड्डी कलर। प्रूफ के लिए पहनी हुई लाल चड्डी को पेपर के साथ अटैच करके भी सबमिट कर देना ना, फिर तो आपको बनना ही है टॉपर। इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से जो कहा है, आप बन जाएंगे क्लास के टॉपर। यही देख के बेफिक्रे में रणवीर ने भी लाल चड्डी पहनी थी। आप लोग देख रहे हो ये टोटके वालों की पहुँच कहाँ तक है। बेफिक्रे तो फिर भी नहीं चली थी ना। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। अरे इतना प्यार से बोल रहा है, कर देते हैं सब्सक्राइब। ये वो लाल बटन जो कि इस लाल अंडरवे जितना लाल है। लोगों को बेवकूफ बनाने के इस खेल में अगर हम एक कदम आगे बढ़े ना, तो हमें मिलता है ये एक जादुई पेन जो आपको 100% पास करे। और आज हम आपको बताएंगे एक चमत्कारी पेन के बारे में जो गारंटेड परीक्षा में सफलता दिलाएगा। ऐसा लगता है कि ये पेन ही मेरे लिए एग्जाम लिख देगा। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जो सिर्फ इंडिया में ही मिलती है, और फिर लोग बोलते हैं इंडियन स्लैक क्रिएटिविटी। चमत्कारी पेन। फिर कोई बोलता है कि पेपर का बॉल बना के पूरे टाइम पॉकेट में रखो और एग्जाम खत्म होते ही गंगा में भागो। मतलब वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ो और एग्जाम खत्म होते ही नदी में पेपर फेंक के आ जाओ। ये कैसा दिमाग है भाई? जब भी एग्जाम देने जाएं जेब में रखें, कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें आप फेल हो जाएंगे। आप इनका कॉन्फिडेंस देखने में ना सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर कोई फेल भी हो गया ना तो इन्हें कौन सा कोई कुछ पूछने वाला है। एग्जाम इंटरव्यू में सक्सेस के लिए करे ये उपाय। खाना पीना चैनल में आपका स्वागत है। खाना पीना चैनल एग्जाम टिप्स क्यों दे रहा है? नहीं चाहिए। कभी अपने बेचारे दोस्त के साथ चॉकलेट शेयर करने की सोची है? मत सोचना। चॉकलेट का थोड़ा सा भी भाग किसी को नहीं देना है, पूरी चॉकलेट आपने खानी है। एग्जाम्स के पहले प्रिपरेशन के लिए भी टिप्स है ऑफ कोर्स, पर मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट इनमें से कुछ लोग मानते हैं कि कभी कभी, बस कभी कभी बच्चों को पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से तो लाल चड्डी और जादुई पेन से ही काम हो जाता है। हम में से कुछ गिने चुने लोग जो स्टडी टेबल को सामान रखने के जगह एक्चुअली पढ़ने के लिए यूज करते हैं, उनके लिए तो इतने टिप्स है कि जब तक आप सब फॉलो करोगे एग्जाम्स ही निकल जाएंगे। स्टडी टेबल शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। साइज ऑफ द स्टडी टेबल शुड नॉट बी टू लार्ज। डू नॉट कीप स्टडी टेबल अगेंस्ट द वॉल। अलाउ सनरेज बाय ओपनिंग योर विंडोज दैट फिल्स द एंटायर एटमॉस्फेयर विद पॉजिटिव एनर्जीज। फाइनली पढ़ सकती हूँ। Keeping your back towards the door is not good. भाग यहाँ से, मैं नहीं करने वाली ये सब। अगर आप पे टिप्स काम नहीं करे तो ये पेरेंट्स के पीछे जाते हैं। बोतल को अपने बच्चे के जो पढ़ाई का टेबल है उसमें रख दीजिए, फिर देखिए आपका बच्चे का ध्यान पढ़ाई से नहीं जाएगा। ध्यान छोड़ो, पहले स्टडी टेबल रख लूँ मैं, ये बोतल का झमेला और डाल दिया यार, यही करती रह जाऊँ मैं। टाइम निकालने की बात हो ही रही है ना, तो कुछ ऐसे भी टिप्स है जिनको समझने में और अप्लाई करने में ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे बहुत से कमेंट्स मिले कि परीक्षा को पास करने के लिए सब्सक्राइब। यार ये ले, लिख कर दिया सब्सक्राइब। सीधा पैर बाहर निकाले, पैर सीधा, ठीक है। एग्जाम देते वक्त आपका दाएं से होना चाहिए। ये देख रहे हो, मतलब एग्जाम लिखते टाइम तुम आधा घंटा ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स में ही लगा दो। एग्जाम देते वक्त आपका दाएं से होना चाहिए। सांस पहले खींच लो, साइड से आप सांस अंदर ले रहे हो, उसी दाहिना पैर आप बाहर की तरफ। सांस खींचनी है, रोक के रखनी है, जिस साइड से सांस वहाँ का पैर। यार ये है कहानी एक स्कूल टॉपर की,
जो टोटकों के चक्कर में फंस गया। ETI, एग्जाम टोटका इंस्पेक्टर, सॉरी आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं, वापस जाइए। क्यों, बिना एग्जाम लिखे ही? हाँ, आपने पैर गलत निकाले, सांस ठीक से नहीं ली और आपके चड्डी का लाल रंग सब्सक्राइब बटन के लाल रंग जितना लाल नहीं था। आपको कैसे पता? हमें सब पता है, बस आप जाइए यहाँ से। जाने दो ना, माल है। सांस पहले खींच लो फिर बाहर कदम रखो। साइड से आप सांस अंदर ले रहे हो, उसी डायना पैर आप बाहर की तरफ। ओह वाह, तो ऑलरेडी पास हो गए, अब स्कूल जाके क्या फायदा? बात में दम तो है। ETI, सॉरी अब फिर फेल हो गए। एक बार घर से बाहर निकल के फिर वापस आना ये शुभ नहीं माना जाता है। टोटके इंस्पेक्टर ने फंसा डाला। So that's it guys, अच्छे मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई। बाकी आप कुछ भी कर लो, कोई काम नहीं आने वाला। In fact, ये भी आपने सुना ही होगा कि God helps those who help themselves। ओ, बड़ा यूट्यूबर हो गया लगता है क्या आप देना? और वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ये वो लाल बटन जो कि इस लाल अंडरवे जितना लाल है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करने के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। We'll see you guys in the next one। इन टोटकों को अपना सकते हैं, आपको अवश्य लाभ नहीं मिलेगा। और एक तो टैग्स में ये डाल रखा है यार।